एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं आज आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ और उसके साथ ही हम लोग आज दक्षिणेश्वर जाने वाले हैं। वो भी शेयर करूँगी कि आज हमने क्या क्या किया। और पहले प्लान था कि दक्षिणेश्वर से हम लोग कहीं और जाएंगे, पर अब नहीं जाने वाले हैं। हम लोग सिर्फ दक्षिणेश्वर घूम के ही आएंगे और बाकी वहाँ जाके देखा जाएगा क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो आज मैं एक रेसिपी जो शेयर कर रही हूँ उसका नाम है पूरन पोली। वो मेरी फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट रेसिपी, मैंने डिशेस है मेरी खाने की। जब मैं अपने मामा के यहाँ जाती थी तो नानी के यहाँ, तब मैं वो खाती थी। तो अब मामी आई हैं तो मामी मुझे ये रेसिपी सिखा के भी जाएंगी, प्लस बना के भी दे रही हैं। तो आप लोग देखिए ये रेसिपी मैंने मामी कैसे बनाती हैं, मैं नहीं, मामी कैसे बनाती हैं, ये सब आप देखिए। यहाँ पर मैंने आधा किलो चने की दाल ले ली है, उसे अच्छे से धोकर मैंने कुकर में सीटी दे दिया है। सीटी यहाँ तक दे दी है कि दाल अच्छे से उबल जाए, मैंने गल जाए और ज़्यादा उसमें पानी भी ना रहे। और बाकी का जो पानी रहेगा उससे हम लोग आमटी बनाएंगे। मैंने आमटी एक दाल जैसी होती है जो पूरन पोली के साथ खाई जाती है महाराष्ट्र में। तो ये जो बची हुई दाल है इससे हम आमटी बनाएंगे। और इसे मैंने एक स्ट्रेनर में ले लिया है दाल को, जो बाकी जो पानी है सब निकल जाए। और ये बाकी जो चने की थोड़ी सी दाल है वो मैंने वो आमटी बनाने के लिए रख दी है। तो एक बॉक्स में साइड में निकाल के रख दिया है। और अब मैं यहाँ पे एक फ्राई पैन, मैंने कढ़ाई ले लूँगी जिसमें हमें ये चने की दाल को अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे ले लिया है घी, और घी ज़्यादा नहीं लेना है आपने, 1 टेबल स्पून जितना घी लेना है। घी गिर भी नहीं रहा है अच्छे से, मैंने इतनी ठंड है कि घी एकदम जम गया है। तो यहाँ पे कढ़ाई को अच्छे से मैंने अच्छे से गरम कर लिया है, ज़्यादा भी गरम नहीं कि घी जल ना जाए डालने से। और उसके बाद मामी यहाँ पर चने की दाल डाल दे रही है साथ ही में। एकदम हल्के हाथों से वो दे रही हैं कि मैंने ये मैंने एकदम खिचड़ी जैसा ना हो जाए। वैसे भी उसे बाद में मैश करना ही है, पर पहले वो खिचड़ी जैसा ना हो जाए इस वजह से। तो यहाँ पे ले लिया है चने की दाल को, चने की दाल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे घी में, थोड़ा भून लेंगे। और अब यहाँ पे गुड़ दे दिया है। गुड़ हमने टेस्ट के अंदाज़ में दिया है, गुड़ को कोई हमने माप नहीं लिया है। पर तो भी अगर आप 500 ये है तो आप 500 ही गुड़ दे सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आपकी गुड़, आपका गुड़ कितना मीठा है उस हिसाब से, तो इस हिसाब से आप डालिएगा आपके अंदाज़ से जैसा आपको टेस्ट चाहिए। ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप ज़्यादा गुड़ डाल सकते हैं, कम चाहिए तो कम। यहाँ पे मैंने हल्का, मैंने गुड़ ज़्यादा मीठा था तो मैंने अराउंड 400 ग्राम्स गुड़ यहाँ पे यूज़ किया है, उससे ज़्यादा नहीं। तो अब ये गुड़ भी अच्छे से पिघल गया है तो इसे मैं अच्छे से चने की दाल में मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे चने की दाल, गुड़ पूरा गल गया है, चने की दाल भी अच्छे से उसमें मिक्स हो गई है। और ये जब तक ड्राई ना हो तब तक हमें इसे इसमें भूनना है। यहाँ पे मामी मुझे टेस्ट करवा रही है, टेस्ट करने के लिए बोल रही है कितना मीठा है क्या है ज़रा देख लो। तो यहाँ पे देखिए भूनते भूनते ये ऐसा हो गया है, मैंने एकदम मिक्स, न दाल और गुड़ में कुछ अलग नहीं दिख रहा है, तो इतना मिक्स कर लेना है। और वो ड्राई भी हो गया है और उसके बाद हमें इसे छान लेना है। तो वो जो एक स्ट्रेनर है उसमें मैंने चने की दाल थोड़ी सी ली है और एक ग्लास लिया है। आप कटोरी भी यूज़ कर सकते हैं आप जिसमें कंफर्टेबल हो, या फिर जो दाल का चम्मच रहता है जिससे हम घोटते हैं वो भी ले सकते हैं। तो वैसे उससे मैंने ऐसे करके पूरा निकाल लेना है, छान लेना है ये चने के दाल को। ये देखिए लास्ट में ये पूरा ऐसा हो जाता है छानने से उस स्ट्रेनर से। तो यहाँ पे एकदम ये दरदरा एकदम पाउडर हमारे पास मिक्सचर आ गया है। और यहाँ पे हमने आटे को गूंद लिया है,
गेहूं के आटे को अच्छे से गूंद लिया है, मैंने तेल डाल के मोयन मोयन दे के, नरम आटा जैसा हम गूंदते हैं वैसे ही नॉर्मली, और कुछ नहीं है इसमें अलग। और जैसे हम आलू के पराठे या फिर जो भी पराठे बनाते हैं भरकर, वैसे ही इसे भी बनाना है। इसे अच्छे से ऐसे दबा लेना है और एकदम अच्छे से इसे पैक कर लेना है, बंद कर लेना है, मैंने पेड़ा बहुत अच्छे से पैक कर लेना है, तो क्या कोई भी स्टफिंग बाहर ना निकले, और एकदम हल्के हाथों से इसे अच्छे से बेल लेना है। तो यहाँ पे मामी एकदम हल्के हाथों से अच्छे से इसे बेल रही हैं, मैंने मैं खुद इसे 5-6 साल उससे भी ज़्यादा हो गए होंगे कि मैंने पूरन पोली खाई नहीं होगी, तो अब जब आई हैं वो हमारे घर पे तो मैंने बोला कि नहीं आप पूरन पोली बनाओ मुझे, मैंने बहुत ही अच्छी लगती है, और उसकी क्रेविंग भी हो रही थी इन लोगों को देख कर ही कि नहीं इस बार तो मैं पूरन पोली खाऊंगी। बहुत ही टेस्टी बनी थी पूरन पोली, और एकदम मीठा कम जितना चाहिए रहता है, हम लोग जितना खाते हैं वैसा ही मीठा बना था। तो इसे हमने गरम तवे पे रख दिया है, दोनों साइड अच्छे से पहले सेक लेना है, और उसके बाद हम इसे जैसे पराठा तेल देकर सेकते हैं वैसे आप घी में भी सेक सकते हैं, तेल में भी सेक सकते हैं, जैसा आप प्रेफर करें। दोनों साइड से पहले अच्छे से पराठों को सेक लेना है, तो क्या तेल और घी दोनों ही कम लगते हैं। और देखिए पराठा कितना अच्छे से फूल गया है, बहुत अच्छे से फूल रहा था पराठा। यहाँ पे गरम गरम पराठा बन के एकदम रेडी है, तो ये ऐसे ही ठंड के मौसम में अगर गरम गरम पराठे मिले तो बात ही क्या, और वो भी पूरन पोली इतनी टेस्टी बनी थी, बहुत ही अच्छा। तो बस हम लोग ये ब्रेकफास्ट करके दक्षिणेश्वर के लिए निकल जाएंगे अब। और अब हम यहाँ टालीगंज से हम लोग दमदम आ गए थे, दमदम से हमने मेट्रो लेकर हम दक्षिणेश्वर चले गए थे। यहाँ पर बहुत मस्ती करी, यहाँ पर हम लोग दक्षिणेश्वर पहुँच गए हैं और अभी बस जा ही रहे मंदिर की तरफ। इसके बाद हम चले गए थे, ये जो स्काई वॉक है रानी राजमुनी स्काई वॉक, यहाँ से ही डायरेक्ट हम जा सकते हैं मंदिर के लिए। Thank you.
और ये हम आ गए हैं दक्षिणेश्वर मंदिर में। बस अब हम लोग मंदिर में एंट्री करने वाले हैं। बहुत दिन से मेरा ये था कि वेद को लेके मैं आऊं मंदिर में पूजा देने के लिए, पर हो नहीं रहा था किसी कारण। पर इस बार मेरे कजिन्स आए हैं तो इनके थ्रू ही मैंने हो गया कि मंदिर में आ गई हूँ मैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद दक्षिणेश्वर आए हैं। आज है 26 जनवरी, तो इसलिए इस वजह से इतनी रश है और इतना भीड़ है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी लंबी लाइन लगी है पूजा देने के लिए। लोग यहाँ पे एकदम लाइन लगा के खड़े। आप लाइन देखेंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। ना घंटा तो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये गाड़ी के पीछे यहाँ पे लाइन जो लगी हुई है। ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरी लाइन लगी हुई है। मंदिर तो बहुत दूर है, ये दूर से इतनी लाइन लगी हुई है आज पूजा देने के लिए। छुट्टी का दिन है इस वजह से। लाइन देते देते हम लोग एकदम बे, यहाँ पे कोई कौन सा ब्रिज है, ये ब्रिज पे दक्षिणेश्वर जो ब्रिज है उस पे ही आ गए हैं। लाइन देते थे, आज इतना रश है, आज इतना रश है दक्षिणेश्वर में। आप लोग खुद ही देखिए, मैंने कान पकड़ लिए छुट्टी के दिन दक्षिणेश्वर नहीं आना है। फाइनली हमारे दर्शन हो गए हैं। हम लोग 12:20 पे इतनी बड़ी लाइन दे के खड़े थे, 1:30 बजे हम लोग घुसे हैं और लास्ट वहीं पे ही गेट बंद कर दिया इन लोगों ने, तो भी हमारे दर्शन अच्छे से हो गए, पूजा दे दी है। और अब हम जा रहे हैं बाहर, यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ से जाके हम लोग देखते हैं कहाँ जाते हैं, धर्मतला नहीं तो सेंट्रल कहीं तो उतरेंगे। फिर वहाँ से घूमना भी है थोड़ा बहुत, वह घूम कर ही शाम को घर जाएंगे। तो आज का व्लॉग यहीं पर ही मैं एंड कर रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ से फिर कहीं और गए नहीं, सभी बहुत थक गए थे, तो हम लोग अब डायरेक्ट घर ही जा रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।